Hello everyone, so students, let me start our topic. In last video we complete exercise 1.7. Now we start our next exercise, and in next exercise topic is beta topic kya hai hamara, successor and predecessor. Kya topic hai next exercise ke liye hamare paas, successor and predecessor. So what is successor and what is predecessor? So, बेटा जो आपने अभी देखिए, पहले आप क्या करते थे, आप आफ्टर बिफोर बिटवीन ये करते थे ना, नंबर्स होते थे आपके पास, एक नंबर आपको गिवन होता था, आपको उसका आफ्टर बताना होता था, उसका आपको बिफोर बताना होता था, एंड उसका आपको आपको टू नंबर्स के बीच में एक नंबर आपको फाइंड आउट करना होता था जो बिटवीन कहलाता था. सो अभी बेटा सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है, सक्सेसर का मीनिंग बेसिकली आफ्टर ही होता है. क्या होता है? आफ्टर. सो हम यहाँ पे राइट करेंगे सक्सेसर. आपको एक बार इस टॉपिक को पहले समझना है, देन फिर अपना हम अपनी क्या करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, सो सक्सेसर का मीनिंग होता है बेटा, इसको हम आफ्टर भी बोलते हैं. सक्सेसर यानी कि अगला नंबर, यानी कि एक नेक्स्ट नंबर हमें बताना होता है. और जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपको मैंने एक नंबर गिवन किया 792500, ठीक है, आपको इस नंबर का सक्सेसर बताना है, यानी कि इसके अगला नंबर, इसके बाद जो नंबर आएगा वो आपको बताना है. सो आप क्या करेंगे बेटा, सक्सेसर के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो नंबर गिवन है ना, हमें उस नंबर में क्या करना होता है, वन प्लस करना होता है. हमें क्या करना होता है बेटा, हमें उस नंबर में वन प्लस कर सक्सेसर फाइंड आउट करना होता है. ओके, सो हम जैसे ही अब इस नंबर में, अभी क्या था हमारे पास छोटी छोटी डिजिट्स होती थी, पहले हमारे पास ओनली 3 to 4 डिजिट मैक्सिमम हमारे पास होती थी, बट अभी यहाँ पे हमारे पास ये 6 डिजिट नंबर है जिसका हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है, यानी कि इसके नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 प्लस करके देखेंगे. जब आप इस नंबर में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 792501, इट मीन्स 792501, ये आपके पास आएगा. सो बेटा क्यों, क्योंकि आपके पास ये सिर्फ एक सिंगल डिजिट है. देखिए ये क्या है, एक सिंगल डिजिट है जो वंस के प्लेस पर चेंज होगी. यदि वंस के प्लेस पर 9 है तो, और उसमें आपको 1 ऐड करना है, तो वो 2 डिजिट्स को अफेक्ट करेगी, टेंस और वंस के प्लेस को अफेक्ट करेगी. बट अगर वहाँ पे 9 से छोटा नंबर है वंस के प्लेस पर और आपको 1 ऐड करना है, तो वो सिर्फ एक वंस के प्लेस को ही अफेक्ट करेगी. ओके, सो यहाँ पे 0 था वंस के प्लेस पर और हमने जैसे ही उसमें 1 ऐड किया तो वहाँ पे क्या हो गया, वंस के प्लेस पर बेटा 1 हो गया. क्लियर? ओके, सो ये क्या है, ये सक्सेसर है. यानी कि सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर. बेसिकली सक्सेसर का मीनिंग क्या है, आफ्टर बाय एडिंग 1, यानी कि एक नंबर आपको गिवन है उसमें आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है. ओके, नाउ प्रीडेसर. प्रीडेसर क्या होता है, प्रीडेसर होता है बेटा हमारा, प्रीडेसर हमारा होता है बिफोर. इसको हम बिफोर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बिफोर. बिफोर यानी कि पहले, जो नंबर आपको गिवन है उससे जस्ट पहले वाला नंबर, यानी कि जो नंबर आपके पास गिवन है, जैसे मान लीजिए हम इसी नंबर की बात करते हैं 792500, कि आपको जो ये नंबर है, ये आप ने ये नंबर किसके बाद राइट किया, यानी कि इससे पहले वाला आपको नंबर फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करते हैं, प्रीडेसर का फॉर्मूला, प्रीडेसर के लिए क्या रूल होता है, कि आपको जो नंबर गिवन है आपको उसमें से 1 माइनस करना होता है. सक्सेसर में तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एंड प्रीडेसर में हमें क्या करना होता है, 1 को माइनस करना होता है. सो जब हम यहाँ पे 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 792499. देखिए आप यहाँ पे माइनस कर देखेंगे तो आपके पास यही आएगा, हमने इसमें से माइनस 1 किया. सो जब हमने इसमें से माइनस 1 किया तो हम यहाँ पे से कैरी लेंगे, इधर यहाँ पे हमारे पास 4 होगा, एंड यहाँ पे 9, एंड यहाँ पे हमारे पास 10 होगा. सो 10 में से हमने 1 माइनस किया था 994297. ओके, सो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये प्रीडेसर आ गया. ये हमने जो नंबर हमें गिवन है उससे पहले वाला नंबर हमने फाइंड आउट किया है. ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. आपको सक्सेसर एंड प्रीडेसर के बारे में पता चल ही गया है कि वो क्या होता है. सो आपको जो ये एक्सरसाइज है वो बुक में ही डन करनी है. यहाँ देखिए आपको यहाँ पे बुक में स्पेस गिवन है,
सो इसलिए आपको ये एक्सरसाइज बुक में करनी है, आपको इसे नोटबुक में नहीं करना है। ओके सो अभी देखिए यहाँ पे राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे आपको ये नंबर्स गिवन है, आपको इनके बाद वाला नंबर यानी कि अगला नंबर यहाँ पे राइट करना है। सो ये नंबर क्या है बेटा, 5,20,951। क्या है 5,20,951। अब आपको इसके बाद वाला बताना है। सो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5,20,952। ये क्या है, ये इसका सक्सेसर है सी। ओके आपको इसी टाइप से अगला नंबर बताना है, आप इसमें इस नंबर में वन ऐड करेंगे और फिर आप यहाँ पे उसको राइट करेंगे। ओके नाउ प्रीडा सर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट आप देखिए, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। मैम आपके लिए वन वन पार्ट कर रही हैं एंड अदर पार्ट्स आपको खुद करने हैं। 23,715 से पहले क्या आएगा, यानी कि जो ये नंबर है वो किस नंबर के बाद आया है। सो जिस नंबर के बाद ये आया है वो नंबर आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके सो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें से माइनस वन करना होगा। यहाँ पे तो हमने प्लस वन किया था, यहाँ पे हमें माइनस वन करना है। सो जब हम इसमें से माइनस वन करेंगे तो हमारे पास आएगा 23,714। 15 मैंने बताया था ना कि वंस के प्लेस पर ही इफेक्ट करता है बेसिकली, अगर वहां पे 9 ना हो तो। यहाँ पे अगर जीरो होता माइनस वन में क्या होगा, जीरो पे इफेक्ट होएगा, और प्लस वाले में सिस्टम में क्या होगा बेटा, अगर वंस के प्लेस पर 9 है तो 2 डिजिट इफेक्ट होएंगी, लेकिन अगर यहाँ पर प्रीडेसर में वंस के प्लेस पर आपके पास 0 है तो आपकी 2-3 डिजिट इफेक्ट होएंगी। ओके क्लियर, सो आपको इसी टाइप से एक्सरसाइज अपनी बुक में डन करनी है। नाउ नेक्स्ट रिमूव ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा 1.9, और उसमें बेटा क्या करना है, आपको साइन पुट करने हैं। क्या करना है, साइन पुट करने हैं, आपको दो नंबर्स को कंपेयर करना है, और कंपेयर करके आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, या जो दो नंबर आपके पास गिवन है वो दोनों ही नंबर सेम है। सो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन पुट करने हैं। ओके सो हमें क्या करना होता है, जैसे अभी मान लीजिए, अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले भी आपने ये कंपैरिजन वाला किया है, पहले आपके पास मान लो 40 एंड 41 में आपको कंपेयर करना होता था, तो आप सिंपली राइट करते थे कि 41 बड़ा है 40 से, सो हम इस टाइप से साइन पुट कर देते थे। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ज्यादा डिजिट्स हैं, हमारे पास 2-3 डिजिट्स नहीं है, हमारे पास 5-6 डिजिट्स हैं, यानी कि 5-6 डिजिट का नंबर है। सो हमें उसके लिए बेटा क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर देखिए दो नंबर मैं राइट कर रही हूँ, और हम उनमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है। सो आप ध्यान से देखना, मैंने ये दो नंबर राइट किए हैं, आपको इन दोनों नंबर में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्या करना है बेटा, कंपैरिजन करना है। आप देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होगा जो हमारे पास नंबर्स गिवन है उन नंबर्स को हम ये चेक करेंगे कि वो सेम डिजिट के हैं या नहीं। जैसे कि देखिए इस नंबर को अगर हम देखें तो इसमें कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितनी डिजिट है बेटा, 5। और अगर हम नेक्स्ट नंबर को देखें तो उसमें देखिए कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा यहाँ पर तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 5 डिजिट नंबर जो है वो 6 डिजिट नंबर से छोटा है। सो हम यहाँ पे साइन पुट कर देंगे इस टाइप से कि जो बड़ा है उसकी साइड तो हम जो इसका फेस है वो ओपन रखेंगे, और जो छोटा है जो नंबर उसकी साइड हम ये पॉइंट वाला फेस रखेंगे। ओके सो हमारा पहला काम क्या होगा, यही होगा कि हमें सबसे पहले ये नंबर्स जो हैं उनकी डिजिट्स चेक करनी है कि वो सेम है या नहीं है। अगर वो सेम है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सेम डिजिट नंबर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिया, ये सेम डिजिट के नंबर है, अभी आप ध्यान से देखिए इनमें डिजिट इक्वल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेम डिजिट नंबर है। सो हमारा अब इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, हमें ये चेक करना है कि हम इसकी फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, दोनों ही नंबर्स की हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। इसमें तो 7 है और इस नंबर में 6 है, यानी कि ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7 से स्टार्ट हो रहा है। सो ऑब्वियसली 7 से जो स्टार्ट हो रहा है वो बड़ा है, तो हम इस टाइप से साइन पुट कर देंगे। सो आपको इसी टाइप से स्टेप फॉलो करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिजिट चेक करेंगे,
देन अगर डिजिट सेम है तो आप उनकी वन बाय वन डिजिट चेक करेंगे। मान लीजिए फर्स्ट डिजिट सेम है तो आप नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, अगर नेक्स्ट भी सेम है तो आप उसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे और इस टाइप से आप इसको चेक करेंगे। क्लियर। आपको ये एक्सरसाइज भी बुक में ही डन करनी है, बिकॉज आपको यहाँ पर देखिए ये बुक में स्पेस गिवन है, सो आपको ये नोटबुक में नहीं करनी है, ये आपको बुक में ही करनी है। आपको साइन पुट करने हैं, दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है और चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर ये जो दो नंबर आपको गिवन है वो दोनों इक्वल है। जैसे कि अगर हम देखिए, अगर आप देखिए इस वाले पार्ट को, देखिए एच पार्ट को, इस एच पार्ट में आप देखिए ये दोनों ही नंबर्स क्या है बेटा, सेम है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन राइट करेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट, अपना अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं, बिकॉज ये एक्सरसाइजेस आपके लास्ट जो नॉलेज है आपकी थर्ड क्लास में जितना आपने किया है उसके ऊपर ही बेस्ड है। सो इसलिए मैं आपको एक साथ थ्री एक्सरसाइजेस करवा रही हैं बेटा, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए टॉपिक है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है बेटा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये चेक करना है, जो आपको ये नंबर्स आपको अब गिवन है आपको उन्हें अरेंज करना है, आपको उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही है क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा छोटे से बड़ा, यानी कि हमें डाउन स्टेयर से अप स्टेयर्स पे हमें जाना होता है, नीचे से हमें ऊपर की ओर जाना होता है। सो हमें सबसे पहले जो नंबर राइट करना होता है वो सबसे छोटा होना चाहिए, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा, लास्ट में हमारा सबसे बड़ा आता है। तो ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर कि हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट पे हम जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा सबसे बड़ा, देन हम उसके बाद छोटे 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 एंड सबसे छोटे पे जाते हैं, यानी कि ऊपर से हम नीचे आते हैं, बड़े से हम छोटे पे आते हैं, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे जाते हैं। ओके सो आपको ये चीज पहले भी आपने की है, सो आपको ये क्लियर है। अब आप डायरेक्ट हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप ये देखिए कि हमें कैसे ये फाइंड आउट करना, बिकॉज हमारे पास अब यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स ज्यादा है। पहले हमारे पास कम डिजिट्स का होता था, बट अब हमारे पास ज्यादा डिजिट्स के नंबर है, तो हम उसको कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, आप अपना फर्स्ट ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमने जैसे कंपैरिजन में किया था ना, कि हमने सबसे पहले ये चेक किया था कि सेम डिजिट के नंबर है या नहीं, तो हमें वो यहाँ पर भी फॉलो करना है कि यहाँ पे जो हमें ये नंबर्स गिवन है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमें नंबर्स गिवन है वो सेम डिजिट के हैं या नहीं है। सो आप देखिए ये जो पहला नंबर है उसको देखिए, 1 2 3 4 5, ये कितनी डिजिट नंबर है बेटा, ये 5 डिजिट का नंबर है। आप इस नंबर को देखिए, ये कितनी डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है। एंड देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको देखेगा ये 6 डिजिट नंबर है। ओके नेक्स्ट एक और नंबर देखिए, वो भी 6 डिजिट नंबर है। ये नंबर कितनी डिजिट्स का है, ये 5 डिजिट नंबर है। सो बेटा यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जो ये 4 डिजिट का है। सो हम सबसे पहले कौन सा नंबर राइट करेंगे, सबसे पहले हम राइट करेंगे जो सबसे छोटा नंबर है। हम कौन सा कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर हम कर रहे हैं। सो असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर हमें सबसे पहले राइट करना है, और सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट नंबर है जो हमने यहाँ पे राइट किया है। देन हमारे पास बेटा देखिए 5 डिजिट के नंबर्स हैं जो 2 हैं। कितने नंबर्स हैं 5 डिजिट के, 2 हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें वही करना होगा, कंपेयर करना पड़ेगा ना नंबर को कि कौन सा छोटा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम इसके लिए ये करेंगे, अभी आप देखिए वन बाय वन मैंने आपको बताया था कि आप डिजिट्स को चेक करेंगे कि दोनों के ऊपर, दोनों ही नंबर्स में सेम सेम है या नहीं। फर्स्ट डिजिट दोनों में सेम है, सेकंड डिजिट भी दोनों में सेम है, थर्ड डिजिट भी दोनों में सेम है, बट जो फोर्थ डिजिट है वो दोनों में अलग अलग है। इस वाले नंबर में 2 है एंड इस वाले नंबर में 5 है। सो जो 2 है वो 5 से छोटा होता है, इसलिए हम ये फर्स्ट नंबर पे जो नंबर है वो लिखेंगे। ओके सो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं हमारा 3 8 9 2 5। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स बचे हैं, इनमें हमें चेक करना है। सो बेटा 3 में से हमारे पास ये नंबर जो है ये 5 डिजिट नंबर है, सो इसका मतलब इन दोनों से तो ये छोटा है, इसलिए हम इस नंबर को यहाँ पे राइट कर लेंगे थर्ड नंबर पे हमारा। देन हमारे पास अब ये 6 नंबर्स, 6 डिजिट के 2 नंबर्स हैं। अब हम इनमें कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। सो बेटा इसका फर्स्ट नंबर 4 है, इसका फर्स्ट नंबर 3 है, इट मींस ये 3 वाला छोटा है। सो हम इसलिए 3 वाला नंबर पहले राइट करेंगे। ओके देन हम सबसे लास्ट में ये सबसे बड़ा नंबर जो है उसको राइट करेंगे, सी।
ये हमने बेटा इस जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया है, अरेंज कर दिया है। ओके नाउ आपको जो ये बाकी के दो पार्ट्स हैं वो अपने आप करने हैं, और ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे स्पेस गिवन नहीं है, सो आप इस एक्सरसाइज को नोटबुक में करेंगे। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फर्स्ट में हमने असेंडिंग में किया था, अभी हमें डिसेंडिंग में करना है, उसमें भी आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको सबसे बड़ा नंबर अब सबसे पहले लिखना है, सो अभी आप क्या करेंगे, नंबर्स की डिजिट चेक कर लेंगे। ये 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, एंड ये भी 5 डिजिट है, एंड ये जो है ये 6 डिजिट है। सो इट मीन्स जो ये 6 डिजिट नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 डिजिट नंबर को राइट कर लेंगे। सो देखिए मैम यहाँ पे राइट कर रही है, हमने ये 6 डिजिट नंबर सबसे पहले राइट कर लिया। देन अब हम इन 5 डिजिट नंबर्स में कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे कि सबसे बड़ा इन 5 डिजिट नंबर्स में से कौन सा नंबर है। सो फर्स्ट डिजिट सबकी सेम है तो उसे हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड डिजिट इनमें 9 है, इनमें 2 एंड इनमें 5। सो जो ये 9 वाली है ये बड़ी है, तो इन 2 एंड 5 को तो अभी हम छोड़ देते हैं, अभी इन 9 वाली में हम कंपैरिजन करते हैं। सो 2 थर्ड डिजिट देखिए, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इट मीन 5 वाली बड़ी है, 2 से बड़ा होता है ना 5, और अभी हम डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो हमें बड़े से छोटे पे जाना है, तो हम बड़े को चेक करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी वाली डिजिट है हम उसको यहाँ पे राइट कर लेंगे। सी मैम ने यहाँ पे राइट करा है इसको, देखिए सेकंड नंबर पे। अभी हम क्या करेंगे बेटा, अभी हमने इन दोनों डिजिट्स में कंपैरिजन किया था ना, सो अब हम इसके बाद ये वाली डिजिट राइट करेंगे बिकॉज वो तो छोटी है इनसे। सो अभी हम यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारी जो इन दो डिजिट्स में हमने कंपैरिजन किया था उसमें से दूसरी वाली डिजिट हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। अब हमारे पास ये दो डिजिट्स हैं, ये दो नंबर्स हैं, इनमें हमें कंपैरिजन करना है, इनकी भी फर्स्ट डिजिट सेम है, सो हम सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड वाले में देखिए बेटा, सेकंड डिजिट इसकी 2 है एंड इसकी 5 है, सो हम जो ये 5 वाली है वो राइट कर लेते हैं। ओके और सबसे लास्ट में हम सबसे छोटी डिजिट को राइट कर देंगे। सो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की, हमने सबसे बड़ी, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, एंड देन सबसे छोटी डिजिट हमने राइट करी है। ओके आपको इसी टाइप से ये नोटबुक में रजिस्टर में अपनी डन करनी है एक्सरसाइज, एंड वी विल कंटिन्यू इन अवर लाइव क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।